जालिमा सॉन्ग आपका रिलीज हुआ है और उसने यूट्यूब पर तहलका दिया है, मिलियंस के ऊपर व्यूज चले गए हैं हफ्ते भर में। एज ए प्रोड्यूसर कितने खुश हैं इस गाने से आप जुड़े हुए हैं, और आज के दौर में जहां गाने बहुत कम चलते हैं पब्लिक शायद देखे ना देखे, आपका गाना 1 मिलियन के ऊपर गया, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उन सभी व्यूवर्स का जिन्होंने मेरे गाने को अपने सर आँखों पर लिया और 3 दिन के अंदर मेरा गाना 1.25 मिलियन के ऊपर गया, मैं उन सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जालिमा का गाना कंपोज और म्यूज़िक अमित राठौड़ उनका गाना था, बाकी गाना गाया आलमगीर ने जो बॉडीगार्ड के अंदर बॉडीगार्ड का गाना गाया हुआ है, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया, और वो सब वो मेरे छोटे भाई के जैसे हैं। मेरी जो पूरी टीम प्रोडक्शन टीम है ये मेरी एक छोटे भाई के जैसे हैं। हमने हिमाचल में जाके शूट किया, मैं तो शूट पर कभी गया ही नहीं, हमारे डॉक्टर डायरेक्टर मुनीश कल्याण जी उन्होंने ही सब हैंडल किया, और आप यकीन नहीं मानेंगे ये पूरा गाना हमने एक दिन में शूट किया है। एक दिन के अंदर हम एक दिन में एक गाना शूट करते हैं, सिर्फ दूसरा दिन नहीं लगाते उसके लिए। हमारे पास में लोकेशंस और हमारी टीम और हमारी टीम के एक एक बच्चे इतने मेहनती हैं काम करने में, और हमारा जो बेडिया म्यूज़िक चैनल जो है वो सिर्फ नए स्टार कास्ट के साथ में काम करता है, पुराने सिंगरों के भी साथ काम नहीं करता। आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने एक गाना जावेद अली से और एक गाना पलक से गवाया था, और दोनों ने एल्बम के लिए मुझे एनओसी देने से मना किया, तो मैंने उन दोनों को निकाल दिया और नए सिंगरों से रीडअप करवाया गाना, और वो सब अभी रिलीज के ऊपर हैं। 25 गाने की शूटिंग चल रही है मेरे एट ए टाइम, और नए लोग अगर जिसमें कला है, अगर एक्टिंग की कला है, वो मुझे कभी भी अप्रोच करें, अगर वो उस लायक होंगे तो कोई भी गलत काम नहीं होगा हमारे चैनल में, किसी से पैसे नहीं लिए जाते, कोई गलत काम नहीं होता, और हम दिल से हमारा गाना बनाते हैं। एक एंटरटेनमेंट की दुनिया को एक हम जैसे गुलशन कुमार जी लेकर आए थे, जो पुराने सिंगरों को और पुराने हीरो को घर बिठाया, वही टारगेट मेरा है कि जो सिंगर जो इतने हवा में उड़ रहे हैं। अभी आप देखिए आईपीएल की मैच चल रही है, आईपीएल की पहले तो सिर्फ 11 खिलाड़ी खेला करते थे, अब इंडिया के लिए 111 खिलाड़ी हैं आईपीएल आने के बाद। अभी यूट्यूब इंस्टाग्राम ये सब आने के बाद में एक से एक सिंगर हैं मार्केट में, एक से एक कलाकार हैं जिनकी ओर कोई देखता नहीं है। मैं उन कलाकार की तलाश में रहता हूं और मैं उन सिंगरों की तलाश में रहता हूं। मैंने उन कलाकार और उन सिंगरों को लेकर जालिमा बनाया और जालिमा मेरी सुपर डुपर हिट हुई। और गाना हमने भी सब देखा है और आपने जैसे कहा एक दिन में शूट हुआ है, गाना काफी बढ़िया है, लिरिक्स के हिसाब से भी काफी अच्छा लग रहा है, विजुअली भी काफी अच्छा लग रहा है, तो एक दिन में जो टारगेट अचीव करना है मुझे लगता है ये ऑफकोर्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन आपने किया है, बहुत बड़ी बात है, वो बताएं कैसे आके इतना। ये पूरे मेरे डायरेक्टर मुनीश कल्याण, उनकी मेहनत, हमारे डीओपी एडिटर उनकी मेहनत और कलाकारों की मेहनत। हम ऐसे लोकेशन पे हिमाचल में जाके हमने गाना शूट किया है जहाँ जंगल है, एक शॉट ओके होने के बाद गाड़ी के अंदर हीरो हीरोइन 1 घंटा दूर मेकअप के लिए जाते थे, ड्रेस चेंज के लिए जाते थे, फिर दूसरी ड्रेस लेके आते थे, जब तक दूसरा शॉट तैयार करके रखता था मुनीश, फिर एक शॉट लेने के बाद वो जाते थे, क्योंकि वहाँ ना वैनिटी पहुँच सकती है ना वैनिटी की सुविधा है, ऐसा ड्राई इलाका है हिमाचल प्रदेश का। हमने ऐसा लोकेशन ढूंढा और 3 तारीख को मेरी नई परसों नया शूट होने जा रहा है, 13 बिन है गाने का टाइटल, और मैं वो शायद 4 तारीख को या 5 तारीख को उसका ट्रीजर भी लॉन्च करूंगा, तो जब आप लोगों को इनवाइट करूंगा। ये भी जानना है
ये बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था, आप बड़े चैनल में चले जाएं या बड़े सिंगर के पास चले जाएं, बड़े आर्टिस्ट के पास चले जाएं, तो मुझे कहने में जरा भी शंका नहीं है कि यह छोटे लोगों का खून चूस लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि तालाब की बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो ये आपके गाने के साथ इंसाफ भी नहीं करते, प्रोड्यूसर के साथ भी इंसाफ नहीं करते, ना आर्टिस्ट के साथ इंसाफ करते हैं। लोग इनकी ऑफिस के चक्कर काट काट कर चप्पलें टूट जाती है, और हम सक्षम हैं करने में, हमारा चैनल डेवलप करने में, हमारे पास टीम है, हमारे पास में लोग हैं, आप जैसे दोस्त हैं जो मिलकर मेरे चैनल को बड़ा कर रहे हैं। और मेरा गाना, मुझे कई बड़ी म्यूज़िक कंपनी का ऑफर भी आया है कि हमको गाना दीजिए, पर मैंने कहा नहीं, हर गाना मेरा एक बेटा है और मैं मेरे बेटे को संभाल के रखूँगा और उसको बड़ा करूँगा। बेडिया फिल्म स्टूडियो, मैं आनंद पंडित मोशन फिल्म्स, आनंद पंडित सर के साथ जुड़ा हूँ, मेरे 35 साल से मेरे बड़े भाई हैं, हम मिलकर कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में किया करते थे। मैंने एक पिक्चर बनाई थी बरखा, जिसका आप लोगों ने गाना सुना होगा, राज भाई का, तू इतनी खूबसूरत है, तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, जो आज सुपर डुपर हिट हुआ। उस टाइम हम ये गाना हमने जी टीवी को बेचा था, जी ने हमको कहा था कि हम आपको 5 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट देंगे। अब ये तो भगवान ही जाने की एडवर्टाइजमेंट कहाँ गई और कैसे गई, फिल्म का रिटर्न रिस्पांस नहीं था, पर गाने हमारे इतने सुपर डुपर हिट हुए और मैंने ताहशाह को उस फिल्म में लिया था, और ताहशाह आज संजय लीला भंसाली के साथ हीरा मंडी के अंदर लीड रोल के अंदर काम कर रहा है। और ताह ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि आज मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ तो संजय बेडिया और उनके इन गानों के बदौलत पहुँचा। बहुत बहुत मुबारकबाद हो ताह को भी मेरी तरफ से। मैं आपको ये बताने में मुझे बड़ी खुशी होगी, जमाना बदल गया है, आजकल लोग गाना सुनते नहीं है, गाना दिखते हैं। तो और गाना ऐसा दिखाना है कि 3 मिनट और 4 मिनट के गाने के अंदर कोई मर गया, सीरियस हो गया, लव अफेयर टूट गए, एक स्टोरी बनाकर सिर्फ एक 3 मिनट के लिए अगर कोई गाना सुनता है तो उसे इंटरटेनमेंट हो, कम से कम वो रिलैक्सेशन हो उसके दिमाग का। मेरा टारगेट ये है कि जो भी गाने मैं बनाऊं, जो भी गाने बनाऊं, लोग फैमिली के साथ बैठकर अच्छे से देख सकें। एक नई प्रथा, मैं लता दीदी को इसके लिए हमेशा याद करता हूं कि वो लता दीदी हुई, आशा जी हुई, हमेशा बोलती थी मुझे कि कोई भी चीज़, गाने भी इतने सोबर होने चाहिए कि परिवार के साथ देख सकें। पच्चीस गाने मेरे फ्लोर पर हैं, हम एक बहुत बड़ी सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। आप सारी जनता, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्गों, मुझे आशीर्वाद देते रहिए। नए लोगों में जिनमें फनकार है, जिनमें कला है, वो कभी भी मेरे यहाँ आए, अगर वो कलाकार हैं तो मैं उनको काम दूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस में होगा तो मैं उन्हें कहूँगा कि नहीं, थोड़ा और डेवलप होकर आए, उसके बाद मेरे पास में आए। नए लोग कभी भी मेरे पास में आए, और आप लोग मुझे इतना प्यार दें कि बेडिया फिल्म म्यूज़िक एक बहुत बड़ी कंपनी, मतलब उस एक ज़माना था जब मिथुन चक्रवर्ती को कहा करते थे कि गरीबों का अमिताभ, तो वैसे ये टी सीरीज़, ये सब बड़े बड़े लोग हैं। मैं
गरीबों की एक म्यूजिक कंपनी बनाऊं तो लोग कहें कि ये गरीबों की म्यूजिक कंपनी है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए हमसे। नमस्कार नमस्कार।